फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल सेरिश इंस्टीट्यूट। सो आज के दिन ये वीडियो जो है CBSE, NIOS और ICSE वाले बच्चों के लिए होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में काफ़ी सारे टॉपिक्स को मैं लेकर चलने वाली हूँ। बहुत सारी छोटी छोटी अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो कि आप लोग को बताना ज़रूरी है, जो कि आज सुप्रीम कोर्ट में आप लोग को पता है कि आप लोग के एग्जाम्स को लेकर के सुनवाई थी आज। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में 12वीं की परीक्षा को रद्द करवाने के लिए जो है उसको लेकर सुनवाई हुई है, जिसका केस जो है ममता शर्मा लड़ रही हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका है इसको लेकर के जो डिस्कशन चला है, मतलब कि सबसे पहले तो यही बोला गया कि बच्चों के 12th के एग्ज़ाम कैंसिल कराए जाएं, जिस तरह से 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम कैंसिल कराए गए, उन्हें प्रमोट कर दिया गया, इसी तरह से 12th वाले बच्चों के भी एग्ज़ाम कैंसिल करके उन्हें प्रमोट करने की बात चल रही है। ममता शर्मा ने जो है यही कहा है कि अगर मतलब हमें एग्ज़ाम जो है नहीं लेना चाहिए इस हालात में, जबकि कोरोना केसेस चलो ठीक है कम तो हो गए हैं लेकिन स्टिल आ तो रहे हैं ना, लेकिन कोरोना केसेस के साथ साथ जो ये फंगस वाला केस शुरू हुआ है, येलो फंगस, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जो भी है, ये सारे चीज़ें जो इतनी ख़तरनाक बीमारियां आ रही हैं, तो इस दौरान जो है बच्चों के एग्ज़ाम लेना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है उनके लिए, और इस तरह से हम अपने कोरोना केसेस जो कम हुए हैं उसको और ज़्यादा इनवाइट कर लेंगे कि हाँ भाई कोरोना केसेस और बढ़ सकते हैं दोबारा से, और कोरोना ख़तरनाक बीमारी के बीच जो है बच्चों का बाहर जाना, एग्ज़ाम देना जो है बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। प्लस अगर हमारा ये कोरोना केस जो अभी कम हो रहा है, ये हमारा एक एडवांटेज है कि चलो अच्छी बात है अभी केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अगर एग्ज़ाम इतने सारे बच्चे हैं दुनिया में, मतलब कि हर बच्चा अगर एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाएगा चलो ठीक है जिस तरीके से भी अगर एग्ज़ाम दिलवाया जाता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ सेफ़ नहीं है, कोरोना भी वापस से बढ़ सकता है, इसलिए ये वाला रिस्क नहीं लेना चाहिए। और ममता शर्मा जी ने भी यही कहा है कि बच्चों को प्रमोट करने का मतलब उनको मार्क्स देना, उनका एग्ज़ाम कैंसिल करके किसी और तरीके से जो उनको मार्क्स देकर प्रमोट करने का रास्ता जो है हमें देखना चाहिए, सोचना चाहिए क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि बच्चों को मार्क्स देकर के प्रमोट कर दिया जाए। कुल मिलाकर 144,000 जो है बच्चों की आबादी है, तो इतने सारे बच्चों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना वो भी इस दौरान कहाँ से किस एंगल से सेफ़ है, तो कुल मिला के यही एक रास्ता समझ में आता है। और ये ममता शर्मा जी की बात से मैं भी सहमत हूँ कि यही होना चाहिए कि बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करके, क्योंकि एक तरह से अगर देखा जाए तो बच्चे ना तो पढ़ पा रहे हैं, ना कोई ट्यूशन है, ना कोई कोचिंग है, अपने सेल्फ स्टडी करके किस तरह से एग्ज़ाम दे करके, वो भी इस सिचुएशन में सेफ़ भी नहीं, किसी एंगल से ये चीज़ जो है सही नहीं है। हाँ, लेकिन ये तो ज़रूर है कि अगर देखा जाए उनके फ्यूचर के बारे में सोचा जाए, अगर ये कोरोना बीमारी और दुनियावी सारी चीज़ें अगर साइड में रख के देखी जाए, तो बच्चों के अगर फ्यूचर एजुकेशन के बारे में सोचा जाए तो काफ़ी लॉस तो है, लेकिन अभी स्टिल जान से बढ़कर तो नहीं है। तो बच्चों का एग्ज़ाम कैंसिल करके यही सही है कि बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए इस साल के लिए। और बाकी ये भी वहाँ पे डिस्कशन हुआ सुप्रीम कोर्ट में कि ज़्यादा डिले भी करना जो है बच्चों के लिए सही नहीं, क्योंकि कल को अगर आगे उनको अभी अपनी तैयारी करनी है, अपने आगे फ्यूचर का सोचना है, 12th के बाद जो भी उन्हें करना है, तो उसको लेकर के यहाँ पे यही डिस्कशन हुआ कि बच्चों का एग्ज़ाम और ये सारी डिस्कशन जो है ज़्यादा डिले करना और ये सब चीज़ें पोस्टपोन करना जो है ज़्यादा सही नहीं है, बच्चों की परीक्षाओं पे और उनके फ्यूचर पे असर पड़ेगा इस चीज़ का। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा था कि अपने सजेशंस दें, वो लोग अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के, बोर्ड एग्ज़ाम्स को लेकर के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने चाहिए या नहीं करवाने चाहिए, बच्चों के एग्ज़ाम कैंसिल करके उन्हें प्रमोट कर देना चाहिए। तो मैक्सिमम राज्य सरकारों ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने यही कहा है कि बच्चों के एग्ज़ाम करवा लेने चाहिए, कंडक्ट करवा लेने चाहिए, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस बात से, जैसे कि दिल्ली हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया एंड पंजाब, झारखंड, इस तरह के स्टेट्स जो हैं वो मना कर रहे हैं कि एग्ज़ाम इस वक्त जो है इस दौरान करवाना, जो कंडक्ट करवाना सही नहीं है, सेफ नहीं है बच्चों के लिए। प्लस अगर हम इस तरह से कंडक्ट करवाते हैं तो कोरोना के केसेस जो कम हो रहे हैं वापस से बढ़ सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये कोरोना ने जो है पूरी दुनिया में तबाही मचा के रखी है, तो जैसे कि और कंट्रीज़ की बात करें तो अमेरिका ने जो है अपने एग्ज़ाम्स ऑनलाइन कंडक्ट करवा लिए, जो ऑनलाइन कंडक्ट करवा सकते हैं उन्होंने ऑनलाइन करवा लिया, और बाकी जैसे कि ब्रिटेन हो गया और जर्मनी हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स जो हैं बच्चों के कैंसिल करके उन्हें प्रमोट कर दिया। तो सॉल्यूशन इस दौरान, जबकि वहाँ पे इतने ज़्यादा, जितना मतलब इंडिया के कंपैरिजन में इतने ज़्यादा केसेस हैं भी नहीं, अमेरिका में स्टार्टिंग में जब 2020 में केसेस शुरू हुए थे कोरोना के तो बहुत ज़्यादा हो गए थे, लेकिन इस वक्त जो है जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, तो इन सब के इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे इतने ज़्यादा केसेस अभी नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्टिल इन लोगों ने अभी एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट कर दिया। तो जबकि वहाँ इतने केसेस नहीं आ रहे हैं,
वहाँ ये वाला सॉल्यूशन निकल आया कि बच्चों को प्रमोट कर देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मेरी सजेशन अगर होगी तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी बच्चों को इस वक्त एग्ज़ाम कैंसिल करके प्रमोट ही करना चाहिए, क्योंकि ठीक है उनका फ्यूचर जो है लॉस में जाएगा, जो भी है वो आगे जाके देख लिया जाएगा, लेकिन स्टिल अभी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जान से बढ़कर अभी कुछ भी नहीं है। तो बच्चों को कुल मिला के प्रमोट ही करना चाहिए। वापस से टॉपिक पे आते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी वो आज टल गई है, आज कोई फाइनल डिसीजन नहीं किया गया है, लेकिन उसे टाल करके मतलब कि अब जो है ये सुनवाई 31 मई को होगी सुबह 11 बजे। जो है इस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में वापस से डिस्कशन चलेगा और सुनवाई होगी। अब डिसाइड किया जाएगा क्या सॉल्यूशन निकलता है इस बात का बच्चों के एग्ज़ाम को लेकर के। बाकी 31 मई के बाद जो है मतलब 31 मई को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद 1 जून को जो है यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर जो है सारे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फाइनल डिसीजन आप लोग को बता दिया जाएगा थ्रू नोटिफिकेशन, मतलब कि जो नोटिस आता है आप लोग को ऑफिशियल नोटिस, उसके थ्रू आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्या डिसाइड किया गया है। बस अब इंतज़ार है तो 31 मई का कि क्या डिसाइड किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, क्या फैसला आता है, उसके बाद 1 जून को जो मीटिंग होगी उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाना चाहिए। उम्मीद तो यही है, इसके अलावा जो है आगे डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इस तरह से जो है एक एक दिन करके सारा टाइम निकलता जा रहा है। बच्चों को अपने आगे की भी तैयारी करनी है, अपने फ्यूचर की, अपने आफ्टर 12th उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है। जब तक बच्चे खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेंगे कि हाँ भाई हमारा एग्ज़ाम इस बार हमें देना है, इस बार हमें एग्ज़ाम नहीं देना है, खुद ही बच्चे कन्फ्यूज़ चल रहे हैं तो अपने आगे आफ्टर 12th का क्या सोचेंगे। सो आई होप कि जल्दी से जल्दी जो है आफ्टर 1 जून के बाद जो है ये डिसीजन फाइनल हो जाए, कोई ना कोई नोटिस आ जाए कि मतलब हो नहीं हो कम से कम कुछ क्लियरिटी तो मिले। तो उम्मीद यही है, बाकी 1 जून के बाद जो है सारे बोर्ड्स का डिसीजन आ जाएगा। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी, चाहे आप NIS बोर्ड के हों, CBSE के हों, ICSE के हों, मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगी उनका, जिनका भी नोटिस सबसे पहले आ जाएगा। बाकी अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हो तो सारी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट टाइम टू टाइम लेते रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि जब मैं वीडियोज़ डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करिएगा जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में सबके साथ शेयर करिएगा ताकि उन तक की सारी इन्फॉर्मेशन सारी अपडेट पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।